हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे द यूज ऑफ एवर, नेवर एंड फॉर एवर एंड नेवर एवर का। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, एवर, नेवर, फॉर एवर एंड नेवर एवर, इन चारों का मतलब क्या होता है? एवर का मतलब होता है कभी, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए यानी कि फॉर ऑलवेज, और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो हम इनका इस्तेमाल सेंटेंसेस बनाते हुए समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम कभी चाय पीते हो? पहले ये बात जानने वाली है कि एवर का इस्तेमाल ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी एवर का इस्तेमाल होता है, बट ज़्यादातर केसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें हम कैसे एवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए, क्या तुम कभी चाय पीते हो? तो ये प्रेजेंट इनफिनिटी टेंस का सेंटेंस है, इसके लिए हम यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल करेंगे, तो यू के साथ डू लगेगा, तो डू यू एवर टेक टी, क्या वह कभी तुम्हारे घर आता है? तो ये प्रेजेंट इनफिनिटी टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम डू नहीं लगाकर डज लगाएंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट आ रहा है, इसके साथ डज लगता है, तो डज ही एवर कम टू योर हाउस। ओके फ्रेंड्स, डज ही एवर कम टू योर हाउस। तीसरा सेंटेंस है, क्या सीता कभी मुंबई गई है? एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि एवर का इस्तेमाल हमेशा वर्ब यानी जो मेन वर्ब होता है ठीक उससे पहले ही करते हैं। जैसे यहाँ पर है यू, डू यू एवर टेक टी, टेक हो गया यहाँ पर वर्ब मैंने चाय पीना, तो टेक से पहले हम एवर लगा रहे हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस में है कम, कम से पहले हमने एवर लगाया है, तो ये मतलब बात साफ हो गया कि किसी भी वर्ब से जस्ट पहले ही एवर का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी तीसरा सेंटेंस है, क्या सीता कभी मुंबई गई है? मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैज़ लग जाएगा, हैज सीता एवर गोन टू मुंबई, या फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हैज सीता एवर बीन टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मुंबई गई है के लिए गोन टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीन टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा कि क्या सीता कभी मुंबई में रही है, तो अगर में आ जाएगा तो है सीता एवर बीन इन मुंबई, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर है क्या सीता कभी मुंबई गई है, तो हैज सीता एवर गोन टू मुंबई या हैज सीता एवर बीन टू मुंबई। ओके फ्रेंड्स, क्या वे लोग कभी मैच जीते हैं? जीते मतलब जीत चुके हैं कभी, तो ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैव दे एवर ओन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा मैच, मैं पूरा पूरा वर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ, छोटा पड़ रहा है, लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में। अभी ये हो गया एवर का इस्तेमाल। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल हम करना सीखेंगे, तो वह कभी मेरे घर नहीं आता है, तो यहाँ पर नेवर, नेवर का मतलब होता है यानी कि एवर का नेगेटिव, एवर प्लस नॉट इट मीन्स नेवर, यानी कि एवर प्लस नॉट इट मीन्स नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ओके फ्रेंड्स, वह कभी मेरे घर नहीं आता है, ही नेवर कम्स टू माई हाउस। अगर हम इस सेंटेंस को एवर का इस्तेमाल करके बनाते हैं तो कैसे बनेगा? ही डजंट एवर कम टू माई हाउस। अगर हम डू डज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे कम्स नहीं होगा बल्कि कम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ही डजंट एवर कम टू माई हाउस, मैं कभी लंदन नहीं गया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, तो आई हैव नेवर गोन टू लंदन। ओके फ्रेंड्स, आई हैव नेवर गोन टू लंदन, अगर इसमें हम एवर लगाकर बनाते हैं तो आई हैव नॉट एवर गोन टू लंदन। ओके फ्रेंड्स,
या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आई हैव नेवर बीन टू लंडन। ओके फ्रेंड्स, मेरे पिताजी कभी शराब नहीं पीते हैं, तो माई फादर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, तो माई फादर नेवर ड्रिंक्स वाइन, माई फादर नेवर ड्रिंक्स वाइन। ओके फ्रेंड्स, ये इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि माई फादर डजंट एवर ड्रिंक वाइन। ओके फ्रेंड्स, अभी हो गया फॉर एवर का इस्तेमाल, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर एवर का मतलब होता है फॉर ऑलवेज, यानी कि हमेशा के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। आई विल फॉर एवर हेल्प यू, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि आई विल हेल्प यू फॉर एवर, या आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ओके फ्रेंड, वह हमेशा तुम्हारा तुम्हारे साथ रहेगा, वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तो ही विल फॉर एवर लिव विथ यू, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ही विल ऑलवेज लिव विथ यू, या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ही विल लिव विथ यू फॉर एवर। फॉर एवर हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया फॉर एवर का इस्तेमाल। अब हम आपको बता रहे हैं नेवर एवर, तो नेवर एवर क्या है? नेवर एवर और नेवर इज द सेम, बट नेवर एवर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी भी बात को ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं, जैसे कि वह कभी भी मुझसे नहीं मिलता है, वह कभी भी मुझसे नहीं मिलता है, कभी भी नहीं मिलता मुझसे, कुछ जोर दे के कहने वाली बात है, इसलिए यहाँ पर हम नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कभी भी नहीं। तो ही नेवर एवर मीट्स मी। ओके फ्रेंड्स, ही नेवर एवर मीट्स मी। मैंने कभी भी दारू नहीं पी, तो आई नेवर एवर ड्रंक वाइन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया नेवर एवर का इस्तेमाल, बहुत ही सिंपल है। एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, मीन्स एवर का नेगेटिव, और नेवर एवर का मतलब भी कभी नहीं होता है, बट जब भी हम किसी बात को ज़्यादा जोर दे के बोलते हैं तो उसके लिए हम नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं, और इसका हम लास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई ड्रंक वाइन नेवर एवर, ही मीट्स मी नेवर एवर। हम ज़्यादातर बोलचाल में ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस वे में बोलते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ओके फ्रेंड्स, ही नेवर एवर मीट्स मी, आई नेवर एवर ड्रंक वाइन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और फ्रेंड्स, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है और आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है मेरे क्लास से, तो वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी वीडियो बिना मिस किए आप इंग्लिश सीख सकें। ओके फ्रेंड्स, सो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।